गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं, इम्पोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 9 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन, 9 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, या 9 फरवरी को कौन सी घटनाएं देश और दुनिया में हुई है। सो 9 फरवरी के लिए रिलेटेड यहाँ पे देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, वो हमने शॉर्टलिस्ट की है। 9 फरवरी 1962 में जमैका ने स्वतंत्र देश बनने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। 9 फरवरी 1971 को अपोलो 14 मिशन चंद्र से पृथ्वी पर लौटा था। 9 फरवरी 1975 को रूसी अंतरिक्ष यान सेयुज 17 अंतरिक्ष से 29 दिनों बाद धरती पर लौटा था। और 9 फरवरी 1968 को भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का जन्म हुआ था। और 9 फरवरी 1760 को मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे का निधन हुआ था। और 9 फरवरी 1916 में नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हुआ था। सो ये कई देश और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 9 फरवरी के रिलेटेड। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन टू, भारत ने भीषण भूकंप के बाद तुर्की भेजा आर्मी का कौन सा हॉस्पिटल। सो हाल ही में भारत में रूस के राजदूत भारत ने तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद आर्मी का 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फील्ड हॉस्पिटल को लेकर तुर्की पहुंचे भारतीय वायुसेना के 2 विमानों की तस्वीर शेयर की है, और उसमें लिखा है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम राहत कार्यों में योगदान देगी, और मोबाइल मेडिकल यूनिट को फील्ड हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये टू है। क्वेश्चन थ्री, हाल ही में कौन बने केनरा बैंक के एमडी और सीईओ। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और उन्होंने हाल ही में यह पद संभाला है। और केनरा बैंक के मुताबिक यह नियुक्ति उनके रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 या अगले आदेश तक प्रभावित रहेगी। और राजू ने मार्च 2021 में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक का पद संभाला था। उसके बाद वह हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं केनरा बैंक के। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन थ्री है। क्वेश्चन फोर, हाल ही में कौन बने एनबीए लीग में सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी। सो हाल ही में 4 बार के एनबीए चैंपियन लेब्रॉन जेम्स ने एनबीए के इतिहास में सर्वाधिक स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ मैच में
लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए 36 अंक जुटाते ही 20 सीजन में लेब्रोन के कुल 38,388 अंक हो गए हैं 20 सीजन में और उन्होंने करीब अब्दुल जब्बार के 49 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस शहर में किया गया वाटर टैक्सी की शुरुआत? सो हाल ही में नवी मुंबई के बेलारूसे गेटवे ऑफ इंडिया तक हाल ही में वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। राज्य के पोर्ट्स और शिपिंग मंत्री दादाजी भूसे ने उसका उद्घाटन किया है। टैक्सी को लेकर डेक की टिकट 250 की होगी और इसमें 140 यात्रा कर पाएंगे, जबकि अपर डेक की टिकट 350 होगी और जिसमें 60 यात्री यात्रा कर सकेंगे। सो ये नंबर हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन सा देश भारत को जल्द ही देगा S-400 मिसाइल प्रणाली की तीसरी खेप? सो हाल ही में भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोल ने कहा है कि उनका देश यानी कि रूस जल्द ही सतह से हवा में मार करने वाली S-14 मिसाइल प्रणाली की तीसरी खेप की आपूर्ति भारत को करेगा और उन्होंने कहा यह निकट भविष्य में पूरी कर ली जाएगी और दोनों पक्ष सौदा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह हम यह करेंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता। सो हाल ही में S-400 मिसाइल रूस भारत को देगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश ने 2000 साल पहले रहने वाली महिला के चेहरे का 3D रिकंस्ट्रक्शन का किया है अनावरण? सो हाल ही में सऊदी अरब ने 2000 साल पहले रहने वाली हिनक नामक महिला के चेहरे का 3D रिकंस्ट्रक्शन का अनावरण किया है और यह नबेल्टियन महिला के चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करने का पहला ज्ञात मामला है। अरब प्रायद्वीप में रहने वाली हिनत प्राचीन सभ्यता नबेटियन का हिस्सा थी। प्राचीन सभ्यता कौन सी? नबेटियन का हिस्सा थी। हिनत के साथ 69 और अन्य लोगों के आवेश हेगरा के मकबरे में मिले थे, जिसको सऊदी अरेबिया ने रिकंस्ट्रक्शन के जरिए अनावरण किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2000 साल पुरानी महिला है जिसका नाम है हिनक और वो नबेटिया महिला के चेहरे को ये नबेटिया प्रणाली की का ही प्राचीन सभ्यता की हिस्सा थी। सो यहाँ पे सऊदी अरब ने ये कारनामा करके दिखा है। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सो हाल ही में जिम्बाब्वे के गैरी बेलेंस
दो देशों के लिए टेस्ट शतक चढ़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी पहले टेस्ट में शतक चढ़ने की यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट शतक लगाए थे। केलर वेल्स पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने दो देशों दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट शतक लगाए थे। कौन थे वो प्लेयर जो सबसे पहले दो देशों के लिए टेस्ट शतक जड़े थे? केप्लर वेसल्स एक एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी थे जिसने दो देशों के दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए शतक लगाए थे दोनों देशों के लिए। उसके बाद ये दूसरा खिलाड़ी बन गया है, जिम्बाब्वे का दूसरा खिलाड़ी बन गया है गौरी बैलेंस, जिसने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दोनों देशों की टीमों में शतक जड़ा है। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस किस खिलाड़ी को मिला है? सो हाल ही में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ओपनर डेवन कॉनवे जनवरी 2023 के लिए ICC मेंस ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदार बने हैं। गिल ने जनवरी में 11 वनडे और टी20 में 643 रन बनाए, जबकि सिराज ने 14 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। और वहीं कॉनवे ने जनवरी में 9 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 493 रन बनाए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, कैसे काम करेगी RBI द्वारा घोषित QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में बताया कि केंद्र बैंक देश के 12 शहरों में QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए प्राइवेट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। ग्राहक के खाते से डेबिट होने पर इस मशीन से नोट के बजाय सिक्के निकलेंगे और ग्राहक UPI के जरिए पेमेंट कर इस मशीनों से सिक्के निकाल सकेंगे। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 10 है। सो 9 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने टॉप 10 क्वेश्चंस, मोस्ट IMP टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। थैंक यू।